मनुष्य जीवन में कई अवस्थाओं से गुजरता है। जन्म लेने के साथ बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन्हीं सब अवस्थाओं में एक अवस्था होती है युवावस्था, और उसमें वो एक किरदार को जीता है जिसको कहते हैं विद्यार्थी, मतलब स्टूडेंट। आज की कहानी उसी स्टूडेंट के एक दिन की कहानी है। हम स्टूडेंट की लाइफ ना ऐसी होती है, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कॉलेज जाना है, रेडी होना है, नाश्ता करना है, सब कुछ। अगर कॉलेज टाइम पे नहीं पहुँचे ना तो टीचर डांटता है, तो भाई उठना पड़ेगा ना। नींद अच्छी आ रही थी, जय माता दी, जय प्रभु। भैया हमें ना सब कुछ करना पड़ता है, इसके साथ साथ ये भी करना पड़ता है। अगर रूम की सफाई नहीं करेंगे ना तो घर वाले डांटेंगे। डांट तो खानी नहीं है, फिर इससे बढ़िया सफाई कर लो। देख क्या रहे हो, आपको नहीं करनी, चलो। कुछ पल तो भगवान के लिए होने चाहिए ना, इनकी भी तो पूजा करना जरूरी है। आखिर भगवान ने हमें दिन के 24 घंटे दिए, तो कुछ पल तो हम भगवान को दे सकते हैं, है ना? और हम स्टूडेंट को चाहिए क्या विद्या? तो विद्या के लिए तो माता सरस्वती की पूजा करनी होती है। अगर ये खुश रहेंगी तभी तो हमें विद्या मिलेगी। जय माता जी, धन्यवाद प्रभु। ये है मेरी ड्रेस, स्टूडेंट के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट उसका ड्रेस होता है, मतलब कि परिधान। और ये परिधान ना बिना जूतों के लिए तो कंप्लीट नहीं होगा ना, तो आइए। वैसे अच्छा लग रहा हूँ ना, जूते पहन। ये भी ना बहुत जरूरी होता है। तो मैं रेडी नाउ, हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। हम स्टूडेंट की लाइफ में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्रेकफास्ट, या मतलब कह दो खाना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं,
हो पाता है नहीं हो पाता है। जैसे कि आज सिर्फ पानी पी के जा रहा है, कुछ है नहीं। चलते हैं कॉलेज। बाय बाय। हम स्टूडेंट के लिए ना सबसे डिफिकल्ट चीज़ यही होती है, खाना बनाना। यार कॉलेज से आने के बाद ना सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। कभी कभी तो भूखे पेट सोते हैं, कभी कभी तो ऐसे ही मन हुआ तो बाहर खा लिए, कभी कभी तो बनाना है तो बनाना है। घर के खाने की बड़ी याद आती है मम्मी के हाथ के, है ना। पर इतना होता है स्टूडेंट लाइफ में हम ना एकदम एक्सपर्ट बावर्ची हो जाते हैं। हमारे घर वालों को ना आगे कोई दिक्कत नहीं होती और आने वालों को भी खा लेते भूखे। पता है हम स्टूडेंट का सबसे डिफ़िकल्ट काम क्या होता है ना, हमारे स्कूल या कॉलेज का ना काम, असाइनमेंट सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। अब ऐसे टाइम में ना नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा मन नहीं करता इन सब चीज़ों को पूरा करने का, पर करना तो है क्योंकि ना टीचर से एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बोलता है, काम नहीं करोगे मार्क्स नहीं देंगे, असाइनमेंट नहीं दोगे तो प्रैक्टिकल में मार्क्स काट लेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना, नहीं तो अगले दिन टीचर की डांट और मार और मार्क्स
सब पे खतरा रहता है। कर लेते हैं। फाइनली दैट पार्ट इज ओवर। अब बचा है हमारा आखिरी पड़ाव, पर उस तक पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। स्टूडेंट, सुबह से लेके शाम तक आप सिर्फ एक जर्नी देखते आए हैं एक स्टूडेंट की, बट क्या पता है एक स्टूडेंट की जर्नी वो जर्नी है जिसमें इंसान हर एक चीज़ सीखता है, हर चीज़ देखता है, मेमोरीज़ बनाता है, दोस्त यार, अपना लाइफ, अपना गोल, सब चीज़। स्टूडेंट होते हुए इंसान बहुत कुछ जानता है, अपने टीचर्स से सीखता है, अपने आसपास की सोसाइटी से बहुत कुछ याद करते। तो स्टूडेंट वो किरदार है, वो एक अवस्था है, जब हम उस एज तक जाते हैं, जब हम सक्सेस हो जाते हैं अपनी लाइफ में, कुछ अचीव कर लेते हैं, फिर एक दिन हम लोग बैठते हैं, कॉलेज की अपने ग्रुप की फ़ोटोज़ देखते हैं, पार्टीज़ की फ़ोटोज़ देखते हैं, दोस्तों साथ चिल करे हुए मोमेंट्स को याद करते हैं, देन वी रिमेंबर द स्टूडेंट लाइफ। सो दैट्स इट। चलते हैं। स्टूडेंट का किरदार ना एक अचीवमेंट है खुद में। मेमोरीज बनाई होंगी हमने, आप में से बहुत से लोग अपनी उस मेमोरी को याद करते होंगे, दोस्तों के साथ बाइक से ड्रिफ्ट मारना, चेज करना, बैक बेंच पे बैठ के टीचर्स की नकल उतारना, लोगों के बारे में कमेंट पढ़ना, कमेंट मारना, बहुत कुछ। बारिश के मौसम में दोस्तों के साथ भीगना, कभी कभी विदाउट ड्रेस आके ना टीचर्स की डांट खाना, टाई नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, एनुअल फंक्शंस में ना टीचर्स की नकल उतारना, मिमिक्री करना, परफॉर्मेंस करना, बहुत कुछ करते हैं हम लोग। इस किरदार में हम लोग सच में जिंदगी जीते हैं, लाइफ को एक बेहतर मोमेंट्स तैयार करते हैं, मेमोरीज, बहुत कुछ। और जिंदगी के साथ साथ ना इस किरदार के साथ साथ सब कुछ पीछे छूट जाता है, बस रह जाती है यादें। आप ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने उस कॉलेज लाइफ या स्टूडेंट लाइफ को याद करके सोचते होंगे कितने अच्छे पल थे ना, अपने बेस्ट बड़ी, अपने ग्रुप सबको देखते होंगे। आप ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ये किरदार जिया है, बहुत से होंगे जो ये जी रहे होंगे मेरी तरह, और बहुत से ऐसे होंगे जो इस किरदार को जीना चाहेंगे या जीने वाले होंगे। मैं तो बस यही कहूँगा, स्कूल एंड कॉलेज लाइफ आर द बेस्ट लाइफ। आगे हम पता नहीं क्या करेंगे, पर आज जो जी रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। सो एंजॉय योर एवरी डे एज अ स्टूडेंट। थैंक यू। और हाँ, जो इस चीज़ को पसंद करते हैं, जो मेरे इस किरदार को, अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं।
जिंदगी हो चाहे कोई किरदार, हर एक चीज एक साइकिल से बंधा हुआ है। मेरे किरदार की शुरुआत इसी बेड से हुई थी सुबह, और रात में इसी पे खत्म। इस कहानी से कितने लोग अपने आप को रिलेट कर पाए हैं, कितने नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, बिकॉज आपके एक लाइक से ना हमको मोटिवेशन मिलती है, बहुत इंस्पायर होते हैं कि हम काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं। आप हमें बताइए, क्योंकि जब हमको प्रोत्साहन मिलता है ना, तो फिर अलग अलग किरदार निकलते हैं, अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, अलग अलग कहानियाँ निकलती हैं, और हम सब उस चीज़ को करने में ना लग जाते हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हमें बताएंगे नहीं, तो फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हम आपको एंटरटेनमेंट दें, है ना। तो इसी के साथ मैं पृथ्वीराज चौहान आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ ऐसे ही एक किरदार के साथ अपनी अगली वीडियो में। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो फिर जल्दी वीडियो लाएंगे। और प्लीज़ यार 1K करा दो, इतना तो करा दो कि 1K कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँ। गुड नाइट।